महला पहला। इथे कला महला पहली उच्चारण किया। सबे कंत महेलिया सगलिया करह सिंगार। सारिया जीव रूप जिहड़ियां इस्त्रियां ने पति परमात्मा दियां महेलिया तो भाव इस्त्रियां ने अते पति नूं रिझाउण वास्ते प्रसन्न करन वास्ते सारिया जीवां रूप इस्त्रियां जाप तप अते कर्मां रूप शिंगारां नूं करदियां कि परमात्मा नूं मैं खुश कर लैणा। कोई कहिंदा मेरे ते खुश होवेगा परमात्मा। हरेक कोई आपो अपना साधन करदा रहिंदा उहनूं खुश करन लई। गणत गणा बण आई आ सूहा वेस विकार। सारिया जीवां रूप इस्त्रियां गिणती गणाउण मात्री संसार विच आईआं ने कि असीं वी पति परमेश्वर दीआं इस्त्रियां हाँ। उन्हां दा अंदरूनी प्रेम कोई नहीं हुंदा क्योंकि सूहा हुंदा पदार्थां वास्ते, सूहा हुंदा पखंड वाला वेस करदीआं जो विकारां दी उत्पत्ति करन वाला ही हुंदा। केवल गिणती मात्र ही है पर असल विच परमात्मा दी इस्त्री कोई कोई बणदी है। पाखंड प्रेम ना पाई है खोटा पाज खुआर। पदार्थां लई पखंड करन नाल प्रभु दा प्रेम नहीं पा सकीदा। पदार्थां लई जिंदगी च हर कोई बहुत दुनिया पखंडबाजी करदी जिस करके उन्हां नूं माया पदार्थ हरेक चीज दुनिया चो मिल जाती पखंड नाल। पर जिहड़ा हुंदा खोटा पाज खुआर ये जिहड़ा हुंदा पाज दिखावे मात्र जो शिंगार करना है खोटा ही है अते जीव नूं खराब करन वाला ही है। बाहरी लिबास जिहड़ा है ਉਹ ਭੇਖ ਦਿਖਾਏ ਜਗਤ ਕੋ ਲੋਗਨ ਕੋ ਬਸ ਕੀਨ ਅੰਤ ਕਾਲ ਕਾਤੀ ਕਟੈ ਬਾਸ ਨਰਕ ਮੋ ਲੀਨ। ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਧਰ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਪਖੰਡਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਜੀਓ ਇਉਂ ਪਿਰ ਰਾਵੈ ਨਾਰ। जीव रूप इस्त्री नूं चाहीदा कि हर जी पति नूं इस प्रकार रावणा करे उचारना करे जिवें जिहड़े रब दे प्यारे ब्रह्म ज्ञानी हुंदे ने सुहागणा कहिंदे जिन्हां नूं ओह परमात्मा नूं निसकपट होके सेवदे आ। तुद भावन सुहागणी अपनी कृपा लै सवार रहाओ। जिहड़ी इस्त्री ओह परमेश्वर नूं भाउंदी है चाहुंदी है भाणा मनदी है असल विच ओही सुहागण हुंदी है। परमेश्वर पति अपनी कृपा दृष्टि करके फिर उन्हूं सवार लैंदा। भाणा मनण वाले नूं सब तों ज़्यादा पसंद करदा। नाम जपना वड्डी चीज़ है पर नाम दे विच होर गूढ़ा रंग पाउंदा भाणा। जिन्हां ने उहदे भाणे नूं मन के भगती कीती आ उह पा जांदे ने बहुत छेती उहनूं। गुर सबदी सिगारिया तन मन पिर कै पास। क्योंकि वह जिहड़ियां सुहागणियां बारे सानू भी दसो भी किवें उह परमात्मा नूं भाउंदियां ने। महाराज गुरु नानक देव जी फरमाउंदे कि गुर शब्द द्वारा जिहड़ा जप तप शुभ गुणा रूप सिंगार दे सहत होगी ना जिहड़ी अते अपना तन मन परमात्मा दे कोल अर्पण कर दिता उहने तन भी अर्पण कर दिता। तन करके भी उह माड़ा नहीं सोचदी मन करके भी उह माड़ा नहीं सोचदी। मन भी अर्पण कर दिता मन अर्पी तन अर्पी अर्पी सब देसा सारा कुछ ही परमात्मा दे अर्पण कर दिता। इस प्रकार उसने दोए कर जोड़ खड़ी तक्कै सच कहे अरदास। दो हाथ जोड़ के खड़ी है समाहत चित होके पति वल तकदी रहिंदी है परमात्मा वल ते निष्कपट होके सच्चे पति अगे अरदास बेनती करदी है। दोनों हाथ जोड़ के सावधान होके पति परमात्मा वल आसां ला के बैठी रहिंदी है। कदों दर्शन दिओगे कदों कृपा करोगे कदों मेहर करोगे कदों सानू बख्शोगे। सब सुहागण माणा रलियां एक देवहो रात मुरारी। महाराज जी सानू भी एक कृपा करके अवस्था रूपी रात दे दिओ। सानू भी बैखरी मधमा पसंती परा बाणी रोम रोम जाप विचों कोई अवस्था बख्श दो असीं भी आप जी दे नाल मिल के आनंद माण सकीए। लाल रत्ती सच पै वसी पाए रत्ती रंग रास। ओ जीव रूप इस्त्री जिहड़ी हुंदी आ जिहड़ा लाल प्यारा है ना प्यारे विखे रत्ती हुई रहिंदी हमेशा मन करके सच्चे दे डर विच वसी है अते तन करके सच्चे दे डर विच जदों वस जांदी है डर नाल फिर प्रेम पैदा हुंदा मन च
प्रेम विच रत्ती है बाणी करके, फिर उन्हों रास रंग सच्चा आनंद प्राप्त हुंदा। जो लाल रत्ती है ना प्रेम विच रत्ती है, उही सच्चे दे डर विच वसदी, असल विच प्रेम करके फिर डरदी है। जे प्रेम नहीं, जे कहिंदी कि इत्थे नहीं फिर होर किते चले जावांगे, फिर प्रेम तो बाद डर ने पैदा होना हुंदा। प्रेम विच पहला आओ फिर डर लगदा है भी मैनू छड़ ना देण, मैनू ना ना कर देण, त्याग ना देण। जो सच्चे दे डर विच वसी आ उही फिर भाए रत्ती, वह ज्ञान विच तदाकार हो जांदी, क्योंकि जो ज्ञान विच रत्ती है उन्हों रास रंग उन्हों फिर सच्चा आनंद प्राप्त हुंदा गुरां दी कृपा नाल। लाल रत्ती सच भै वसी, भाए रत्ती रंग रास। जिहड़ी लाल प्यारे वाहिगुरु दे नाम विच रत के जो सच्चे दे भै विच वसी है, उस महात्मा दे चरणां विच रह के जग्यासु रूप इस्तरी भाए रत्ती प्रेम विच तदाकार हो गई, उन्हों रंग रास सच्चा आनंद प्राप्त हो गया। प्रैकी चेरी कांडी है लाली मन है नाओ, वह स्त्री जिहड़ी है ना परमात्मा दी भै वाली प्रेम वाली शरदा प्यार वाली है, वह प्रै तो भाव पति परमात्मा की चेरी कही जाती, दासी कही जाती है। जो अपना ना कहती लाली, लाली तो भाव दासी मानती है। सो इस तरह महाराज जी ने उच्चारण किया है ना शब्द। सो जिहड़ा लाला तो भाव हुंदा दास, इत्थे लाली अखर ताईं दास लई वरत्या है। तां महाराज सच्चे पातशाह बख्शिश करके फरमाउंदे ने कि जो दासी भाव दे सहत हो के नाम नूं मंनदी है उही इस्त्री पति परमात्मा दी दासी कहाउंदी है। साची प्रीत ना टुटई साचे मेल मिलाओ, जिहदा सच्चे गुरां दे नाल मेल मिलाप होया वह गुरां दे प्यार करके गुरु की सेवा करने करके गुरां दे उपदेश नूं सुन के महाराज दे कोल रहण करके मन दे उत्ते इन्ना प्रभाव सोहना बन जांदा शरदा पूर्वक कि उहदे अंदरों सच्ची प्रीति की तार टुटदी ही नहीं, क्योंकि वह सतगुरां दे कोल रहण करके जिन्हें सारी दुनिया का त्याग कर दिता विराग विच आ गया, जिन्हों दुनिया मिथ्या प्रतीत हुंदी सारी उहदा प्रेम फिर गुरां दे नाल बन जांदा। जिहदे अंदरों सच्ची प्रीति टुटदी नहीं उहनूं सच्चे ने अपने हुण मेल विच मिला लिया, क्योंकि उहदा संसार वल्लों मोह टुट गया, पदार्थां विचों मोह टुट गया, जिहड़े संसार दे रस कस ने उहनां विचों उहदा मोह टुट गया। इस करके सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह उहनूं अपने नाल मिला लेंदे ने, जानदे ने कि पूर्ण पुरख हो गया। सबद रत्ती मन वेदिया हौ सद बलिहार जाओ, जिहदा मन रत्ती भर भी गुर उपदेश तदाकार होया ना माड़ा मोटा भी कितने लग गया मन शब्द के सुनने विच ध्यान नाल बाणी पढ़न विच कि बाणी दे अंदर की लिखिया महाराज ने, जिन्हें गुर उपदेश थोड़ा जा भी अपने आप नूं जोड़िया तदाकार होके मन के कठोर सुभा नूं विन्निया है, कहिंदे मैं उह तों बलिहार जावां कुरबान जावां है जे गुरसिख तों, जिन्हें थोड़ा जा बाणी पढ़दिया होया बाणी वल नूं थोड़ा ध्यान दे के बाणी पढ़ी है, ये नहीं कि छेती छेती मुकाया तो ये भी नहीं समझ लगी कि पढ़िया की लिखिया की अर्थ भाव है। तो महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे ने इस करके उन्हां तों बलिहार जाइए जिहड़ा बाणी विच थोड़ा ध्यान लाउंदे ने अते अर्थ नूं समझदे ने, गुरां दे तात्पर्ज नूं महाराज दे उपदेश नूं जाणदे ने कि निशाना की है प्रयोजन की है बाणी दा, ते मैं भी उस रंग विच रंगिया जावां। जिहड़ा माड़ा जिहा भी चलदा गुरां दे उपदेश अनुसार सतगुरु कहिंदे उह तों बलिहार जाइए। सा धन रंड ना बैसई जे सतगुर माहे समाए, वह जीव रूप इस्त्री कदे भी जिस तरीके नाल पति चढ़ाई कर जांदा किसे दा उन्हूं विधवादक का नाँ दे देंदे लोग। सो इस तरह महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे सा धन रंड ना बैसई, वह कदे इस प्रकार विधवादक जां रंडी आदक नहीं कहाउंदी, भाव अनिश्चरवादी नहीं हुंदी जिहड़ी सतगुरां दे उपदेश विच समाई जीव रूप इस्त्री है, क्योंकि ना वह मरै ना होवै सोग देंदा रहै ना चूकै भोग, पति परमात्मा कदे मरदा जमदा तो है ही नहीं। इस करके जिहड़ी जीव रूप इस्त्री पति दी बन गई मालक परमात्मा दी बन गई, पति उहनूं भी अमर कर लैंदा नाल ही, ना तो वह जांदी ना पति जांदा, ना जमदा ना मरदा, परमात्मा सदा सलामत रहण करके
अपने प्यारियां नूं भी सदा सलामत कर दिंदा। जे धरती उत्ते महापरलव आ के कदे ब्रह्मंड खत्म भी हो गया, परमेश्वर कल्ला ही जदों रह गया, पर गुरु ग्रंथ साहिब तां परमेश्वर दे विच ही रहणगे। फिर जदों दुबारा कदे सृष्टि साजणगे, फिर गुरु ग्रंथ साहिब प्रगट होणगे। प्रहलाद, कबीर, फरीद, नामदेव, ये सारयां दे नाम फिर भी सुरजीत ही रखणगे, उह क्योंकि उह इस ढंग दे नाल कदे भी नहीं हो सकदा कि उहनां दा पति हुण परमात्मा रहा ही नहीं ते उह भी नहीं रहे। जदों तक मालक है उदों तक सेवक है, सेवक सदा लई फिर सेवक बन जांदा। पिर री सालू नौ तनो साचो मरै न जाए। ओ पति परमात्मा रीसालू हुंदा सुंदर ते नौतनो हुंदा नवीन, ओ सच्चा वाहिगुरु ना जमदा ना मरदा, हमेशा ही सुंदर ते नवीन ही रहिंदा। ओ बंदे विच तब्दीली आउंदी है, बच्चा है, किशोर अवस्था है, फिर जवानी है, फिर अधखड़ जी उम्र आ गई, फिर हौली हौली बुढ़ेपा आ गया, तब्दीलियां आईयां शरीर च, फिर चलिया गया। पर सतगुरु कहिंदे परमात्मा ऐसा नहीं, परमात्मा एक रस एक स्वरूप ही सदा रहिंदा है, ना यह बूढ़ा ना यह बाला ना इस दुख नहीं जम जाला, सुंदर ते नवीन ही रहिंदा सदा। नित रवै सुहागणी साची नदर रजाए। रजाए जो परमेश्वर की सच्ची नज़र होण करके सुहागणा जिहड़ियां ने ना वह नित्ता प्रति उहदे आनंद नूं ही रवै तो भाव भोगदियां रहिंदियां ने, आनंद माणदियां ने। साच धड़ी धन मांडी है कापड़ प्रेम सीगार, जिवें प्रतख औरतां शिंगार करके पति नूं प्रसन्न करदियां ने, तिवें परमेश्वर पति नूं प्रसन्न करन वास्ते सुहागणा ने किहड़ा शिंगार कीता है, साच धड़ी धन मांडी है कापड़ प्रेम सीगार। कहण तों भाव कि सच दा बोलना जिहड़ा है, सच दा निश्चय करना है, सच नाम दा जपना है, इहो ने धड़ी कीती जो सिर दे उत्ते मेढ़ियां जिहियां करदियां हुंदियां इस्त्रियां। जीव ने सच बोलना, सच निश्चय करना, सच नाम का जपना, यही सिर ते मेढ़ियां कीतियां सुहागण इस्त्रियां ने, मांडियां तो भाव बनाईयां ने। साच धड़ी धन मांडी है, धड़ी एक कन्ना का गहना भी हुंदा, सच नाम जपने रूप कन्ना का गहना सुहागण इस्त्री ने बनाया, अते रूप कपड़े का शिंगार किया, प्रेम रूप कपड़ा ते जपता रूप शिंगार किया। कन्ना दा गहना उन्हें बनाया जिहड़ा इह श्रवणो मेरे हो साचा सुणने नो पठाए, कन्ना राही जिहड़ी बाणी सुननी है यही कन्ना दा गहना है। चंदन चीत वसाया मंदर दसवां द्वार, जिहड़ा चित नूं वसाया ना वसीकार कीता अपने मन नूं वस विच कर लिया, इहो चंदन रगड़ के लाया। दसां द्वारां विच पूर्ण जो परमात्मा है उहदी प्राप्ति वास्ते अंतःकरण रूप मंदर बनाया, दसम द्वार नूं ही मंदर बना लिया। मंदर मेरे सब ते उच्चे, देश मेरे बेअंत पूछे, जिथे दसम द्वार विच परमात्मा दा वासा है। दीपक शब्द बेगासिया राम नाम और हार, गुर उपदेश रूप दीवे नूं बेगासिया तो भाव जगाया है, गुरु दे उपदेश रूप दीवे नूं जगा लिया उन्हें अपने अंदर, गुर उपदेश द्वारा ज्ञान रूप जिहड़ा दीवा उहनूं अंदर प्रकाशमान कर लिया, अते गल विच राम नाम रूप हार पा लिया। इस करके नारी अंदर सोहणी मस्तक मणि प्यार, ते प्यार रूपी मस्तक मणि जिहड़ी सी चूड़ा मणि गहना पै रहा, इत्यादिक शुभ साधना रूप गहने जी ने पाए ने, वह तमाम इस्त्रियां विचों जीव रूप इस्त्री सोभनीक होई है, सारयां नालों उच्ची हो गई। नारी अंदर सोहणी सोभा सुरत सुहावणी साचा प्रेम अपार, उस स्त्री सोभा ते सुरत जिहड़ी आ ना ज्ञात, सुरत दा अर्थ ज्ञात, सोभनीक हो गई, जिहदा सच्चे पति च अपार हुंदा बेअंती प्यार है, बेअंत प्यार है परमात्मा दे नाल, जिवें गुरु नानक देव जी का प्यार है, जिवें दसां सरूपां का प्यार है, जे ब्रह्म ज्ञानियां का प्यार हुंदा, ताइयों तां सतगुरु महाराज नूं भा जांदे ने, परमात्मा उन्होंने सामने खड़ जाते ने, उन्होंने परखा लेंदे ने, फिर उन्होंने पास भी आप ही करते ने, कृपा भी करते ने, अपने प्यारे प्रेम विच रंगे उन्होंने सामने ही खड़े रहेंदे, हर वक्त कदे उन्होंने तो पासे नहीं होंदे। बिन पिर पुरख न जाणई
साचे गुर कै हेत प्यार। प्यारियां गुरां विच्चों सच्चे हेत प्रेम करके जिन्हें अपने पति परमात्मा तो बिना होर किसे आदमी नूं आदमी नहीं समझिया, बस सब नूं इस्त्रियां रूप ही समझिया। इस जग मह पुरख एक है होर सगली नार सुबाई, यह हुंदी वड्डी चीज जिन्हां नूं प्राप्ति होई है। तारा, द्रौपदी, कौशल्या, सीता, यह चार वड्डियां सतियां मनियां संसार च। इन्हां ने अपने दिल दे विच कदे दूजे नूं लिआंदा ही नहीं, बसाया ही नहीं एक पति तो बिना। जदों परमात्मा नूं इह देखदा, परमात्मा कहिंदे पति तो बिना दूजे नूं मन च ही नहीं लिआंदा कदे। परमात्मा सो जिन प्रियो परमेसर कर जाणिआ, धन सती दरग है परवानिआ। जिन्हां ने केवल गुरु नानक साहब ते विश्वास कीता, गुरु ग्रंथ साहब ते यकीन कीता है, केवल निरंकार ते विश्वास कीता है, दूजे नूं कदे मन विच ही नहीं लिआंदा, भावें कोई किन्ना ही वड्डा होवे, फिर वह हो जाता परमात्मा का प्यारा। वह जीव इसत्री परमात्मा की बन जाती है, क्योंकि महाराज कहते इन्हें कदे अपने मन के अंदर दूजा लिआंदा ही नहीं। जिवें महाराज दसवें पातशाह कहते ने, पाए गए जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो, राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहमत एक न मान्यो, सिमरत शास्त्र वेद सबै बहु भेद कहै हम एक न जान्यो। श्री इस्पान, कृपा तुमरी कर मैं ना कहो, सब तोहे बखान्यो, दोहरा सगल द्वार कौ छाड़ कै गहो तुहारो द्वार, बाहें गहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार। वह दूजे नूं पछाणदी ही नहीं है, निस अंधियारी सुतीए क्यों पिरबिन रहण विहाए। अवस्था रूपी रात जो पापा करके हनेरी होई पई है, काली बोली रात होई पई है, इहदे विच हे अविद्या रूपी नींद विच सुती होई है, पति परमात्मा दे मिले तो बिना तेरी अवस्था रूपी रात किवें सुख नाल बतीत होवेगी। अंक जलाओ तन जाली आओ, मन तन जल बल जाए। पति परमात्मा तो बिना अंक जलो, हिरदा सड़ जावे, शरीर भी साड़ दिओ, मन धन भी जल बल तो भाव सड़ बल जाए। जे उहदी प्राप्ति नहीं होई की करना हिरदा, फिर साड़ना ही चंगा इहनूं। इह जे शरीर तो की लैणा, इह जे मन ते धन तो भी की लैणा, जे पति की प्राप्ति नहीं हुई वाहेगुरू मिलिया ही नहीं। जे जा धन कंत ना रावीआ तां बिरथा जोबन जाए। जे जीव रूप स्त्री ने पति परमात्मा ने आनंद नूं नहीं रावया, प्रतख जोबन विच शौक अवस्था रूप जोबन बिरथा निष्फली चलिया गया, फिर फायदा की होया उहदा शरीर धारे दा। सो जिस कर कारण धारिया सो प्रभ डिठा नाल, जिन्हां ने उहनूं देखिया नाल ही देख लिया। जिस कारण कर तन धारिया सो प्रभ डिठा नाल, सेजै कंत महेलड़ी सूती बूझ ना पाए। महाराज कहिंदे जीव रूप महेलड़ी जिहड़ी इस्त्री दी अंतकरण रूप सेजा दे उपरी पति साखी चेतन विराजमान साडे अंदर अंतशकरण दे विच ही पति परमेश्वर है, देख लो कहिंदे उहनूं। पर इह विद्या रूपी नींद विच सुती होई उहदी खबर ही नहीं पा सकदी। कदे खाण विच स्वाद, कदे अखां देखण लग जांदियां, कदे कन्ना राही सौ जाती है। सो मन सोया माया विस्माद, रसना सोई लोभ मीठा साध। मैं सारियां चीजां सुतियां ही पईयां मानू अंदर, जिहड़ा पति परमात्मा है सारे स्वादां नूं छड्ड के कदे उहनूं देखण दा जतन नहीं करदा, बाहरले स्वादां विच ही ज्यादा फसिया रहिंदा है। हौ सुती पिर जागणा किस को पूछौ जाए। हौ जिहड़ी हंगता करके जीव रूप स्त्री विद्या रूपी नींद विच सुती पई है, ते पति परमात्मा जागदा। जग्यासु रूप स्त्री आखदी, मैं किस पासों जाके पुछना करां जी। सतगुर मेली भै वसी नानक प्रेम सिखाए। महाराज कहण लगे, जब परमेश्वर दे डर विच वसी तां परमेश्वर ने कृपा करके सतगुरां दे नाल मेल दिता इहनूं। अग्गों सतगुरां ने ऐसा प्रेम पाया जो हरि परमात्मा आप ही इहदा सिखाए बन गया, मित्र बन गया। जद हौ सुती, मैं विद्या रूप नींद विच सुती हुई हाँ, तो हमेशा जागदे रहण वाले पति का पता किस कोलों जाके पुछना करिए।
ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦ ਭੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਿੱਤਰ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਖਾਏ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਤਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ।